फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में ना दूंगा, आवाज में ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में पूरे शो में बड़े इमोशनल मोमेंट्स थे मगर आंख में आंसू नहीं आए। इस गाने से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। दिस वाज वन ऑफ द फिल्म जिसने मुझे फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए अंदर से प्रेरित किया। एंड यू सैंग विद योर सोल विनीत, यू रियली सैंग इट विद योर सोल। थैंक यू सर। You young man, Vineet, you sang it so beautifully. You are also a very lucky man कि आपको मौका मिला कि वो स्टेज पे आपको ये गाना गाने को मिला। सबको नहीं मौका मिलता है वो। रफी साहब के अलावा, I really feel the way that man, उनका जो चेहरा था ना रफी साहब का, उनकी आवाज में जो goodness थी वो ये गाने में। It's a legacy of the Rajeshri films कि they pick good people, honest people, kind people, loving people. थैंक गॉड हम भी शामिल है उसमें, कैसे हम लोग घुस गए।
लेकिन बोलने का ये मतलब है कि मैं हमेशा सूरज जी से पूछता हूँ, रफ़ी साहब के बारे में बताओ. बिग फैन यू नो, रफ़ी साहब के बारे में बताओ. तो बोला गाना गाते, इतना अच्छा गाते थे, सुना है. फिर बाहर आके पूछते थे कि कैसा गाया मैंने, कैसे गाया मैंने. तो बोला बहुत, मतलब मेरी नौकरी पक्की ना. रफी साहब ने हमेशा ये बोला, इट इज द स्वीटेस्ट एंड हम्बलेस्ट थिंग, मतलब मेरी नौकरी पक्की ना. दिस इज ग्रेटनेस. आई विश ऑल ऑफ यू हैव दैट काइंड ऑफ हम्बल ग्रेटनेस. एब्सोल्युटली. प्रीत सिंह, आपने मौसम बदल दिया. करने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप या फिर वोट कीजिए www.firstcry.com पर. वोटिंग लाइंस खुली हैं आज रात 12 बजे तक. बाकी की डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है. सो वोट नाउ. मैं ना, सॉरी, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ छोटी सी. सर, प्लीज प्लीज. तो किशोर कुमार साहब के साथ मैंने अपना जिंदगी का पहला शो किया था. कहानी पता है. मैं नया नया एक्टर बना था. जी सर. अभी सारांश रिलीज हुई थी, 7-8 फिल्में साइन कर ली थी. सडनली मुझे एक फोन आया कि कल्याण जी, अनन जी लंदन जा रहे हैं और वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं और किशोर कुमार साहब भी. इट्स ए किशोर कुमार नाइट. अरे वाह. आई वाज वेरी एक्साइटेड टू परफॉर्म. मतलब सी किशोर दा, मतलब मेरे जिंदगी के सारे सपने पूरे हो रहे थे. और 200 लोगों का ऑर्केस्ट्रा, सब भरे पड़े हैं. दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर किशोर दा. मेरे स्ट्रगल के जमाने का वो गाना बड़ा फेमस था कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है. और मैंने वो उल्टा भी सुना था, सीधा भी सुना था. मतलब मुझे एक एक नोट, एक एक उसकी रिदम सब याद थी. तो सडनली किशोर दास 4 बजे आए माइनर टॉर्च लगा के. उन्होंने गाना शुरू किया. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. थोड़े आंसू है, थोड़े ऐसा. उसमें उन्होंने कुछ अलग सा गाया. तो मैंने कहा ये ऐसी तो ट्यून नहीं है, बिकॉज मैंने तो रिकॉर्डेड गाना सुना था. तो मुझे परेशानी हुई कि शाम को ये गाएंगे तो लोग कहेंगे इन्होंने तो ठीक नहीं गाया. तो कल्याण जी, आनंद जी, म्यूजिक चल रहा है और ये सब, और मैं इधर बैठा हुआ. दादा दादा दादा, तो रुक गए. और वो मुझे सारे म्यूजिशियन कह रहे चुप कर चुप कर. और कल्याण जी, क्या कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, ये गलत नहीं गा सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं. तो मेरे मुंह से, आई थिंक छोटे शहर के बंदे से ही निकल सकता, मेरे मुंह से ही निकलना चाहिए था कि दादा कुछ ट्यून और है. मैंने क्या बोला उनको, मैंने कहा दादा खेरे दादा आप गलत गा रहे हो. हर म्यूजिशियन ने अपना अपना इंस्ट्रूमेंट एक अदृश्य तरीके से मेरे चेहरे पर. तो और सब बॉडीगार्ड थोड़ा आगे आगे कि अब इसको जूते पड़ेंगे, मार पड़ेगी. तो दादा ने कहा अच्छा 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 हाँ हाँ, गाना गा, गलत गा रहा हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड. तो गलत कैसे गा रहा हूँ भैया, कौन हो तुम? मैंने कहा नहीं, मैंने सारांश में रोल किया. अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा किया था शायद, किया था, देखी नहीं. हाँ, क्या गलत गा रहा हूँ? तो मैंने कहा दादा आपने ओरिजिनल गाना ऐसे गाया है, अभी आप ऐसे गा रहे हो. क्या था, कैसे गाया ओरिजिनल? मेरे गट्स देखो. मैंने कहा ओरिजिनल में आपने गाया थोड़े आंसू हैं, अचान गा के सुना रहा. अभी कैसे गा रहा हूं? मैंने कहा अभी आप कर रहे हो थोड़े आंसू हैं, अच्छा 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 अच्छा. सबको देख रहे हैं ओरिजिनल गाना किसने गाया. मैंने कहा आपने. ये कौन गा रहा? आप, आपके बाप का क्या जा रहा है? थोड़े आंसू.